नमस्कार, 9 दिन 9 मंत्र आप सुन रहे हैं राजुल के साथ। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। कमल के आसन पर विराजमान माँ स्कंद माता सदैव कल्याण करें। ममतामय जगदम्बा के असीम स्नेह और आशीर्वाद से परिपूर्ण है नवरात्र का 5वां दिन। इस दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की आराधना होती है। भगवान स्कंद अर्थात श्री कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ के आशीर्वाद से संतान का सुख मिलने के साथ ही दुखों से मुक्ति भी मिलती है। माँ स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। माँ कमल के आसन पर विराजमान है, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह पर आरूढ़ होने के कारण माँ स्कंद माता को सिंहवाहिनी कहा गया है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माँ की आराधना से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। स्कंद माता की पूजा आरंभ करते हुए सर्वप्रथम एकाग्र होकर माँ के स्वरूप का ध्यान करते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थिताम पंचम दुर्गा त्रिनेत्रा अभय पद्म युग्म कराम दक्षिण उरु पुरधराम भजेम। मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित सिंहवाहिनी 4 भुजाओं वाली यशस्वी शुभ्र वर्ण वाली देवी स्कंद माता विशुद्ध चक्र को जागृत करे। त्रिनेत्रधारी माँ दुर्गा का पंचम स्वरूप जिनके 2 हाथों में सुख सौभाग्य सूचक कमल पुष्प शोभायमान हो रहा है। 1 हाथ से बाल रूप में श्री कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए और 1 हाथ वर मुद्रा में उठाए अपने भक्तों को अभय दान दे रही माँ स्कंद माता को प्रणाम है। इस प्रकार माँ के स्वरूप का स्मरण करते हुए ओम देवी स्कंद माताये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कलश की पूजा करते हैं और माँ को सिंदूर गोरोचन अक्षत इत्र और पुष्प अर्पित करते हैं। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर माँ की आराधना करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं और विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं। नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणी समग्र तत्व सागरम अपरंपार गहराम पुनः पुनर्जगत विदाम नमाम्यहं सुरार्चिताम जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि मां। भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करने वाली मोक्षदायिनी बहुमूल्य रत्न धारण करने वाली स्कंद कुमार की जननी स्कंद माता को प्रणाम है। जगत जननी दया करें, विशुद्ध चक्र जागृत करें, अपने अलौकिक तेज और कांति से जीवन को प्रकाशित करें, बुद्धि ज्ञान और विवेक का वरदान दें, प्राणों को जागृत करें और दिव्य ऊर्जा का संचार करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए माँ की कथा सुनते हैं, आरती करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रसन्न होकर जीवन में आने वाले अंधकार को दूर करने की शक्ति प्रदान करें और आत्मोत्थान की ओर अग्रसर करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर 9 दिन 9 मंत्र सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूले। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना न भूलें @RajulAshok।